गाइस, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं लर्न इन्वेस्टमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही पैनी कंपनी है और साथ साथ बहुत ही अच्छा पोटेंशियल लगती है एक मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए। तो फटाफट चलते हैं स्किनर वेबसाइट पे और जानने कुछ करते हैं कंपनी का नाम और साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल। तो आज है कंपनी का नाम मैंगलोरी रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी। तो अगर हम बात करें कंपनी के बारे में यानी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का नाम अगर हम देखें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MRPL, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन AV यानी कि बिरला ग्रुप और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, यानी कि दो कंपनी का एक तरीके से ये एक जॉइंट वेंचर, यानी कि दो कंपनी को मिक्स करके एक बड़ी कंपनी एक बिग कंपनी को बनाया जाता है। तो उसी तरीके से ये दो कंपनी को मिलकर बनाया गया। इट इज़ नाउ सब्सिडरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी कि ONGC की सब्सिडरी कंपनी, यानी कि ONGC पेरेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी, यानी कि उसके अंदर ही आने वाली कंपनी है। तो आप जानते हैं कि आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा और बिरला ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो द कंपनी इज़ मेनली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम बनाना, यानी कि डीजल्स वगैरह पेट्रोल ये ट्रेड करना एक तरीके से, फ्यूल्स वगैरह, ठीक है, और खासकर नेचुरल गैस में भी ये एक तरीके से बनी हुई है। तो अगर हम बात करें ये चीज़ हमारे लिए, अब देखिए जैसे कि लोग बात करते हैं कि नेचुरल गैस आएगा या EVs गाड़ीज आ रही हैं, ठीक है, और इथेनॉल गाड़ीज आ रही हैं, तो क्या इस पर कोई इफेक्ट आएगा? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए टेक्नोलॉजी आने में ऐसा नहीं होता कि एक दिन में, एक साल में, पाँच साल के अंदर आएगी, टेक्नोलॉजी आने में टाइम लगता है। तो जब तक वो टेक्नोलॉजी आएगी इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा, ये भी आगे चल के इन्हेंस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आजकल लोग अगर मर्सिडीज़ लेते हैं तो कोई स्विफ्ट डिज़ायर लेना छोड़ देता है, तो वो भी गाड़ियाँ लेते हैं, तो आगे भी लोग गाड़ियाँ लेते रहेंगे और ऐसे इसमें और चेंजेस आते रहेंगे और इसको भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं करंट प्राइस की। तो करंट प्राइस का 60 रुपये है, बुक वैल्यू 41 रुपये की नज़र आती है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से 20 रुपये पे करंट प्राइस जो उसका है 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 20 रुपये प्लस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखती है। स्टॉक की PE की बात करें तो बहुत ही अंडरवैल्यूड कंपनी है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करेंगे 10,000 करोड़ के इसका मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है। कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, ठीक है, तो मार्केट कैप बहुत बड़ा, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी यहाँ पर नज़र आती है, यानी कि बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती है। अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो कि हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है, 2011 में आप देखेंगे तो 40,000 करोड़ कंपनी कमाती थी, धीरे धीरे कंपनी ने ग्रो करा, ठीक है। 2015 के बाद अगर आप देखेंगे तो 2016 में कंपनी ने अपनी सेल्स काफ़ी कम कर दी, मतलब सेल्स इतनी ज़्यादा हुई नहीं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे 2022 की, तो कंपनी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे सेल्स दी है, यानी कि ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ की यहाँ पे सेल्स दिखा रही है, यानी कि 90,000 करोड़ जो कि कभी कंपनी ने दी नहीं है। ये तो होगी सेल्स की बात पर, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के हाथ में 6,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट नज़र आता है, जो कि अगर आप देखेंगे कभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी के हाथ में कभी नहीं आया। तो इतना अच्छा अगर प्रॉफिट कंपनी देनी है आज के टाइम पे, तो कल भी दे सकती है, परसों भी देगी, कल और परसों का मतलब हो गया आने वाले सालों में, ठीक है। तो कंपनी अगर इतना अच्छा यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें इसमें अंदर पोजिशन बनाने की एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई देती है। तो अगर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो कि बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट में अगर देखिए कंपनी का रिजर्व कितना है, तो यहाँ पर मुझे कंपनी के पास रिजर्व थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि कंपनी का देखेंगे 6,000 करोड़ का रिजर्व है, पर लेकिन बोरिंग जो है वो ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ की है, तो जो कि कंपनी ने इस साल थोड़ी सी बढ़ाई है। यहाँ पे हो सकता है कंपनी नया प्लांट बना रही हो या नई टेक्नोलॉजी आ रही है नेचुरल गैस में या और EV में भी इंट्रोड्यूस अपना को करना चाह रही हो, तो इसी तरीके से हो सकता है कंपनी यहाँ पे बोरिंग लेके एक नया वेंचर्स वगैरह खोल रही हो या नया आप कह सकते हो प्लांट्स डाल रही हो, जिसके लिए कंपनी ने थोड़ा सा पैसा कर्ज पर लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नज़र आता है। उसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे प्रोमोटर्स के अंदर जाएंगे, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC यानी कि सरकारी कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, तो ONGC के पास इसका 70% की शेयर होल्डिंग है, 71% की। FII के पास अगर आप देखेंगे तो FII ने थोड़ा सा अपने परसेंटेज यहाँ बढ़ाया है, यानी कि FII के पास अगर आप देखेंगे 0.7 से यहाँ पे 1.6% बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे DI की, तो DI ने थोड़ा सा यहाँ पे शेयर होल्डिंग कम किया है, लेकिन पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिखता है, 8% के आसपास दिखता है एज़ कम्पेयर टू FII और DI। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है प्रोमोटर्स होल्डिंग की, यानी कि जो कंपनी करता रहता है, वो 89% की शेयर होल्डिंग है, जो कि अच्छा फैक्टर यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छी चीज़ दिखती है यहाँ पे, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छी है। इसके बाद करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। तो ये है MRPLP का बेसिकली चार्ट। तो अगर मैं इसका लो लेता हूँ, तो लो से समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस तोड़ा और अच्छी से रैली देके बढ़िया से यहाँ पे प्रॉफिट बुक यहाँ पे लोगों ने किया होगा। उसके बाद अचानक से कंपनी 2008 के टाइम पे 2009 का जो क्रैश आया हुआ, कंपनी ऑलमोस्ट लो पे आ गई, दोबारा कंपनी ने रीबैक किया, ठीक है, रिबाउंड किया और अच्छे पॉइंट पे दिया। यहाँ पे कंपनी 2013 में फिर से एक क्रैश के चक्कर में यहाँ पे फंसी, उसके बाद अच्छे से यहाँ पे दिया और धीरे धीरे करके दोबारा इस पर रिटेस्ट करके और दोबारा ऊपर जा रही है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे क्या लगता है, हमें यहाँ पे क्या पोजीशन बनानी चाहिए? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक तरीके का मार्केट लो बना रही है। तो आप देखेंगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब तोड़ा तोड़ा तो यहाँ से लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे जब तोड़ा इसको रीटेस्ट किया और अच्छी रैली दी। यहाँ पे देखेंगे इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट देके फेल हुआ, फिर ऊपर गया, पर रीटेस्ट देके नीचे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब इसको ब्रेकआउट दिया तो ऊपर चला गया। इसके बाद देखेंगे तो इस लेवल पर काफ़ी बार रीटेस्ट किया, जब इसको फेलियर कर दिया, यानी कि जब ये जो बेस था यानी कि सपोर्ट जो था वो टूटा, तो नीचे आके एक और सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आता है। तो हमें इस पॉइंट पे करना क्या चाहिए? तो जो लोगों ने बाय कर रखा है तो मैं उनको कहूँगा होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट अच्छा दे रही है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग पोजीशन आएगी और अच्छी सी रैली देगी अपसाइड की तरफ, ठीक है। क्योंकि बाइंग, क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिट अच्छा बना रही है, जो प्रॉफिट अच्छा बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो बाइंग की पोजीशन होगी वो भी अपसाइड की तरफ जाएगी, ठीक है, लोग बाय भी करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अपने, अगर हम यहाँ पर चलें और यहाँ पर प्राइस रेंज को सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ से मुझे जो पहला टारगेट नज़र आता है जो कि शॉर्ट टर्म टारगेट होता है वो निकल के आता है ये वाला पॉइंट, जो कि ऑलमोस्ट 122% का यहाँ पे टारगेट हमें दिखता है। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने वीकली चार्ट लगाया है, तो वीकली चार्ट पे हम देख पाएंगे तो हमें लगता है कि काफ़ी 3 से 4 महीने के अंदर हमें ये टारगेट यहाँ पे दिख सकता है 122% के, यानी कि ऑलमोस्ट 65 से ज़्यादा, ठीक है, कुछ ही महीनों के अंदर। क्योंकि कंपनी सेल्स अच्छी दे रही है, तो सेल्स अच्छी दे रही है तो ऑब्वियस बात है स्टॉक का प्राइस भी जो ऊपर ही जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कंपनी यहाँ पे आके थोड़ी देर वेट करे, या फिर यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करके दोबारा नीचे आ सकती है। तो ये जो पॉइंट है, अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो ये पॉइंट जो निकल के आता है, ये निकल के आता है 127 रुपये का। तो अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 60 रुपये पे। तो हमारे, मेरे हिसाब से जो हमारे लिए बहुत ही अर्जेंट, आप कह सकते हो बहुत ही फ्रीक्वेंट जो टारगेट नज़र आता है वो हमारा 127 रुपये का निकल के आता है, यानी कि 122% का गेन निकल के आता है करंट प्राइस से, ठीक है। तो यही है वीडियो के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, बाय।